हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। चलिए तो हम हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं और हिस्ट्री में देखते हैं कि क्या करना चाहिए। हिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मॉडर्न और मेडाइवल। मॉडर्न से सबसे अधिक क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाना है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो होगा अराउंड 40 होगा प्लस माइनस, यानी जो भी इसमें हो सकता है प्लस हो या माइनस हो, बट ये 40 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये 40 क्वेश्चन में हम ये फोकस करेंगे कि एट लीस्ट हमारा जो है 150 में से 40 में से कम 35 क्वेश्चन हमको बन जाए। ठीक है, अब 35 क्वेश्चन में बोलेंगे कि पूरा का पूरा 40 क्यों नहीं, क्योंकि 40 करने के लिए पूरी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 35 प्लस करने के लिए मैं जो कुछ चैप्टर बताऊंगा वहीं से सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट 10 इयर्स का जो क्वेश्चन को हमने एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है, उसके अलावा कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर जो है आपको पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एंशियंट के तरफ। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरप्पन कल्चर, जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हरप्पा सभ्यता। यह वो चैप्टर है जहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा, यानी कि यहां प्रश्न पूछा जाएगा। एक और जब पढ़ा रहे हैं तो बता देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों में अंतर क्या है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए रखा गया था क्योंकि इंडस यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही हड़प्पा सभ्यता के साइट मिले थे, लेकिन बाद में देखा गया कि आप भगतरव नदी तक जो है भगतरव तक साउथ में, उसके बाद आप देखेंगे हिंडन नदी, आलमगीरपुर, यानी कि उसका विस्तार जो है सिंधु घाटी उसकी सहायक नदियों से दूर तक फैला। तब यह इतिहासकारों के बीच यह भ्रम की स्थिति हुई है, इतिहासकारों ने एक कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया कि क्या नाम होना चाहिए, तो फाइनली किया गया कि सबसे पहला जो साइट मिला था वह साइट था हड़प्पा, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। क्लियर है। इसको पढ़ने के बाद जो है एक जो इंपॉर्टेंट है वो है बौद्ध, ठीक है ना, बौद्ध और जैन धर्म। अब इसमें क्या करना है कि आपको बौद्ध और जैन धर्म में कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखना है। जैसे महात्मा बुद्ध के माता पिता वाइफ पुत्र सहित जो भी है जहां जहां वो गए हैं, चार बौद्ध जो हुई है, हाँ संगीति जो हुई है, बौद्ध संगीति के अलावे उनके जो थॉट्स हैं चार आर्य सत्य सहित जो है उसको केवल आपको पढ़ना है, इसके अलावा बौद्ध के बारे में नहीं पढ़ना है। जैन में भी क्या करना है कि पहले जो है जैन तीर्थंकर 23वें और 24वें महावीर, अब उसके बाद जो है महावीर के माता पिता से लेकर उनकी वाइफ से लेकर सबका नाम याद रखना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पैदा जो हुआ वो यह रखना है, 72 साल में डेथ करते हैं, 180 साल में डेथ करते हैं, माइनस कर देना है, आपको क्लियर कट हो जाएगा कि कब हुआ था। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि पंच महाभत त्रिरत्न जो है उसके हिसाब से इसको देखना है, त्रिपिटक वहां वाला जो है उसको देखना है। तो जो इम्पोर्टेंट है उस उन सब सेक्शंस को केवल करना है इसमें से, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। लेकिन जैन से एक क्वेश्चन होगा तो बौद्ध से दो क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए बौद्ध से ज्यादा क्वेश्चन होगा, जैन से थोड़ा कम होगा। ठीक है, ये वो सेक्शन है जहां से 100% क्वेश्चन आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद सीधे हम जो है जंप करते हुए पहुंचेंगे वैदिक, वैदिक काल, ठीक है ना। अब वैदिक में बहुत सारा चीज है, लेकिन हम लोगों को केवल देखना है सामाजिक
ठीक है, सामाजिक जीवन और धार्मिक। इसके अलावे जो है आप लोग बहुत सारा जो है चीज पढ़ रहे होंगे, राजनीतिक है, आर्थिक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों ही पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड, यानी कि क्या ऋग वैदिक काल को जान ही रहे ऋग्वेद के नाम से, बाकी उत्तर वैदिक काल में जो है दो दो आया था, तीन जो है आपका, और हाँ थोड़ा वो भी पढ़ना पड़ेगा वेद के बारे में, चारों वेद सहित जो है आपका सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि इसका थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तीसरा सेगमेंट जो है वो है साहित्य वाला, यानी वैदिक साहित्य जो है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वैदिक काल अगर हमारा पूरा हो जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो है शुरू होता है, उसके बाद आप सीधे आ जाते हैं, हम लोग आ जाएंगे मौर्य काल पे। लेकिन मौर्य काल से पूर्व जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, हाँ वही हरियक नहीं बोले, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में भी स्पेशली मगध साम्राज्य का है, उसी से प्रश्न पूछेगा, बाकी से नहीं पूछेगा। तो जैसे ही आप मौर्य काल को पढ़ना शुरू करेंगे तो उसका स्टार्टिंग ही होगा, ठीक है, मगध साम्राज्य से स्टार्ट होते हुए आप आएंगे हरियक वंश से करते हुए, और फिर धरानंद तक आएंगे, अभी महापदम नंद का फिर होते हुए नंद नंद वंश खत समाप्त होते हुए सीधे आ जाएगा मौर्य पे। मौर्य काल का जो खासियत है कि मौर्य काल में क्या पढ़ा जाए, तो मौर्य काल में जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य, जिससे 2-4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछता है, बिंदुसार, जिससे कि 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि वो वैवाहिक संबंध था और कुछ विदेशिक जो संबंध है उसी के बारे में आता है, क्वेश्चन उससे ज्यादा नहीं आता है। उसी तरह से सीधे आ जाइए अशोक, आधा पोर्शन मौर्य काल का अशोक ही है, जिसके इंस्क्रिप्शन से लेकर और उसके जो धर्म धम चलाया गया था, उनका धम जो है कोई बौद्ध धर्म नहीं था, कोई दूसरे धर्म नहीं थे, सभी धर्मों के अच्छे चीजों को लेकर जो चलाया गया था वो धम है, धम धम नॉट धर्म, ठीक है, सो धम, उस धम के बारे में आपको जानना है, और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो एक तो अशोक का देख लीजिए काल, उसके बाद जो है मौर्य प्रशासन और उसका समय का कला, ठीक है। तो आर्ट आर्किटेक्चर में हम देखेंगे कि आपको स्पेशली चाहर ग्रामी की जो सुल्तानगंज से मूर्ति मिली है उसके बारे में पता ही होगा, यक्ष यक्षिणी वाली जो बात है वो आप लोग जानते होंगे। तो इसके अलावे क्वेश्चन जो है अशोक और बिंदुसार का, मैंने कहा था एक पॉइंट आएगा वैदेशिक, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है चूंकि संस्थापक है और उसका कौटिल्य और सब संबंध के बारे में जो है आपको जानना है। बीच का पीरियड का जो है 16 महाजनपद हमने उसको छोड़ दिया है, उसमें टाइम लगेगा, क्वेश्चन मैक्सिमम एक आएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, या जो इन चीज़ों को समझेंगे उन पीरियड वाइज जो है अपने आप बढ़ेंगे, उनको लगेगा कि नहीं क्वेश्चन जो है वहीं से आएगा, उसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। मौर्योत्तर काल है, ठीक है, मौर्योत्तर काल में बहुत सारी चीज़ें हुई है, क्या हुआ, कौन आया मौर्योत्तर काल में, कनवर, हाँ, तो वो सब नहीं पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन नहीं आता है, मैक्सिमम आएगा तो थोड़ा सा जो है सर सुंग से, तो क्वेश्चन कन्व से तो बिल्कुल नहीं आएगा, सुंग से हो सकता है क्वेश्चन आए, कुषाण से जो है वो कनिष्क से ही स्पेशली आ जाएगा, उस समय जो है गोल्ड क्वाइंस मैक्सिमम था। तो ये 2-3 चीजें आप लोग अगर जानते हैं तो फिर आगे बढ़ जाना है, उसके अलावा बहुत ज्यादा उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा कनिष्का का पीरियड जो है आप उसको देख लीजिएगा, बाकी सब इग्नोर कर दीजिएगा, और सीधे पहुंच जाना है गुप्त काल में, ठीक है। अब गुप्त काल भी बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, पहला जो है चंद्रगुप्त प्रथम, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, श्रीगुप्त से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा समुद्रगुप्त से, तो इसीलिए हमको समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, ठीक है, समुद्रगुप्त पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कहते हैं विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में प्रश्न पूछेगा, उसके बाद आएगा गुप्त प्रशासन और कला स्थापत्य का जो समय है, इसमें स्थापत्य का विकास बहुत हुआ है,
बहुत सारे मंदिर वगैरह है, उन सबको आपको देखना है। और समुद्र गुप्त में भी स्पेशली जो है उनका दक्षिण भारत का जो अभियान है मोक्षानुग्रह की नीति, उससे आएगा। हो सकता है कुछ राजा का नाम रहेगा लिखा गया इसमें से कोई है या नहीं है, बट मेनली आपको फोकस करना है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बहुत सारे हुए हैं, उसे एक एक करके नाम बोलना अभी टाइम कम है, केवल आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है कौन किसके समय में थे और क्या क्या रचनाएं उन्होंने किया था। अब जो है हम गुप्त काल तक पहुंच चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गुप्त काल से आगे बढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में। गुप्तोत्तर काल में बहुत छोटे छोटे राजा राजवाड़े हुए, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर पढ़ना होगा तो हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा देखना है, ठीक है ना। हर्षवर्धन के अलावे नहीं आपको पढ़ने जाना है उसके फादर के बारे में, भास्कर भास्कर ये वो दिवाकर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, केवल हर्ष के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि वर्धन वंश का था इसलिए वर्धन वंश कहते हैं, हर्ष के वाले अलावे इससे क्वेश्चन की संभावना थोड़ी रहेगी, बाकी नहीं रहेगी। उस पीरियड में बाकी चीजें जो है सबको इग्नोर करते हुए निकल जाना है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि राजपूत काल आ गया है ना, उस समय अलग अलग जो है वो अग्नि से चार निकले हैं और कहाँ कहाँ से निकले हैं सब आप लोग पढ़ते हैं, वो सब छोड़ देना है, ठीक है। अभी राजधानी कन्नौज शिफ्ट कर गई है पाटलिपुत्र से, पता है ना, क्योंकि पाटली पटना से जितना शासन किया गया था वो पीरियड समाप्त हो चुका है। ये आप हिस्ट्री को क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ हर्ष के बाद सीधे आपको पहुंचना है तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण से प्रश्न नहीं आता, ठीक है, तो इसीलिए उसको सीधे सीधे आपको छोड़ देना है। यानी कि अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ, मेराइवल पीरियड में, ठीक है। और मेराइवल पीरियड में जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो देखिए कहाँ कहाँ से आता है। पढ़ने के लिए बहुत सारी मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन पढ़ना नहीं है आपको, खास तौर से ध्यान देना है। अब मैं एक से स्टार्ट करता हूँ, मैंने पहले वाले में छः बताए थे, अब इसमें भी छः सात से ज़्यादा हम चैप्टर आपको नहीं बताएंगे, इसी से आपको फोकस करना है, ठीक है। पूरा का पूरा गुलाम वंश से लेके जितना भी है, खिलजी है, तुगलक है, लोदी है, सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। इल्तुतमिश से क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा भी तो सीधे आएगा गुलाम वंश से संस्थापक और वो किस तरह से मृत्यु हो गई, ये तरह तरह की चीज़ है, ठीक है। और जिस तरह से उसने आक्रमण किया, भाई भाई के साथ वो अपना सेटल कर रहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन की संभावना नहीं, इल्तुतमिश से थोड़ा बहुत आ सकता है, एक क्वेश्चन की संभावना बनती है। रजिया सुल्तान से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि ऐबक जो है, ऐबक एक देख लीजिए, इसी में देख लीजिए इल्तुतमिश, बलवन, ठीक है, उसके बाद देखना है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद आपको देखना है एमबीटी, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। थोड़ा देखना होगा तो सिकंदर लोदी देख सकते हैं, बट आने की क्वेश्चन यहाँ से भी संभावना नहीं है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, ये सबसे क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है एमबीटी, अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन जो है। और एफएसटी, इसको कैसे भुलाइएगा, बहुत सारा कार्य जिसने किया है, ये वो सेक्शन है। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो पहले राजा वाइज राजा जो भी सुल्तान हुए सल्तनत काल में, उस सबको केवल पढ़ना है, इस बस, ठीक है, इसके अलावा नहीं जानना है। लेकिन हाँ, किसका पीरियड और किसका काल जो है वो पीछे ऊपर रहा है, ये ध्यान रखना है, कौन पहले आया कौन बाद में आया है। बाकी एक दूसरे को मार मार के ही लोग सब सत्ता में आते रहे हैं, इसलिए इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। बट इस पीरियड की जो खासियत है उसमें तीन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। एक, प्रशासन। अब प्रशासन में क्या क्या देखना है, हर आदमी जो है ना, हर शासक कुछ ना कुछ जोड़ा है। बलवन काल समय देखेंगे, उसके बाद देखेंगे एमबीटी के समय में जो है वो कौन सा है, हाँ, तो वो इस तक वही जो है, यानी कृषि से है ना, तो इस तरह से उन्होंने ऐड किया है, हर आदमी आएगा तो वो ऐड कर देगा। सीधा पाबोस जो है,
बलवन के समय में आता है, ईरानी पद्धति से अपना हंसता भी नहीं था राज दरबार में, वगैरह वगैरह आपने पढ़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे जैसे जिसने ऐड किया है, जो जो विभाग को उस पर फोकस करना है, ये प्रशासन में ठीक है। कला स्थापत्य में भी देखेंगे, आर्क आर्किटेक्चर में भी, कि हर व्यक्ति ने कुछ आगे बढ़ के हर समय का अलग अलग रहा ठीक है। उसी तरह से साहित्य का देखेंगे कि कुछ ना सब साहित्य में क्या राजा उजा का नहीं, साहित्य में देखना है कि कौन से लेखक जो है किसके बारे में कौन से बुक्स में रचना किया है और किसके बारे में किसके काल का, तो बहुत ज़्यादा है नहीं इस पीरियड का देखेंगे, जो भी है छोटा मोटा है तो उसको आपको देखना है। ये आपका पूरा देखेंगे दिल्ली सल्तनत, जहाँ से क्वेश्चन जो है अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन आएगा ठीक। ये और ये सेक्शन के अलावा कहीं से क्वेश्चन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पूरा का पूरा सेक्शन है जहाँ से पूरा क्वेश्चन आएगा। अब हम चलते हैं मुगल काल की तरफ ठीक है। मुगल काल में ये नहीं पढ़ना है बाबर ये हुआ वो आया ऐसे किया वैसे किया, नथिंग नो। क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट ही होता है, वो बहुत होगा हुमायूं में होगा होगा नहीं हो सकता है, लेकिन हमेशा जो है जहांगीर से स्टार्ट होगा ठीक है। जहांगीर शाहजहां का काल जो है वो पूरा स्थापत्य कला के लिए, आप सब अभी बोलने का टाइम नहीं है इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अकबर तो पहले ही छूट गया जी, अकबर जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब, तो अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब ये 4 शासक के अलावा बाकी कुछ नहीं पढ़ना। आप बोलेंगे इस चारों शासक में पढ़ना क्या है, इस चारों शासक में आपको देखना है कि कौन किसको पराजित कर रहा है और शादी वैवाहिक संबंध कहां कहां स्थापित किया है, दरबार में कौन कौन है और कौन कौन महत्वपूर्ण पद पे है। साथ में आपको देखते चले जाना है कि किसको क्या क्या दे रहा है, दुआस्पा सी एस पैसा जानते हैं ना सर, हाँ मनसबदारी व्यवस्था जो है उसको किस तरह से आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद देखेंगे कि अकबर ने जो है एक अपना दरबार बनाया था धार्मिक रूप से, क्या सुलह कुल, हाँ तो उसमें देखना है उस, तो ये कैसे कैसे किया है ना कि धार्मिक राजनीति के आधार पर कहाँ का आक्रमण किया है और उसके समय में कुछ ट्रांसलेशन अलग अलग समय में हुआ है, जहांगीर के समय शाहजहां के समय में अलग अलग टाइम में सबका हुआ है और हर दरबार में अलग अलग परसेंटेज रहा है, कोई कभी रहा है कोई कभी रहा है ठीक ओके। तो उसका पढ़ना है पहले आक्रमण कहाँ कहाँ किया, वैवाहिक संबंध किया है तो वो देखना है, उसके बाद देखना है कि उसने प्रशासन में क्या क्या चेंजिंग किया है, किसका कितना परसेंटेज वगैरह रहा। साहित्य देखना है, खुद भी कुछ बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे राजा ये मुगल शासक खुद भी लिखा है लिखवाया है, उस समय में बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए हैं अलग से। आर्ट आर्किटेक्चर में चित्रकला में जानते हैं चित्रकला का टाइम है इसका, फिर स्थापत्य कला का इस जहांगीर समय चित्रकला में बहुत सारा हुआ है, अकबर के समय में हुआ है, उस समय में कौन कौन था चित्रकला में, यानी कला स्थापत्य प्रशासन और राजनीतिक। इस समय का सोशल बिल्कुल नहीं पढ़ना है ठीक है। नॉर्मल समझ लीजिएगा कि अभी जो महिलाओं की स्थिति है कमो बेस वही थी, कुछ नहीं ज़्यादा समझना है। सो ये 4 सेक्शन को पकड़ना है चारों में ठीक है, तो ये आपको यहाँ से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएगा। अब स्पेशली अलग से पढ़ने के लिए क्या करिएगा कि प्रशासन इसका पढ़ लीजिएगा ठीक है सभी का, उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर ठीक है, आर्ट आर्किटेक्चर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद पढ़ लीजिएगा साहित्य यानी लिटरेचर। कुल मिलाके यही पूरा का पूरा जो है इस पीरियड का है जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। आगे का जो हम देख रहे हैं वो कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अब आ जाते हैं मराठा ठीक है। मराइवल का तीसरा पोर्शन है मराठा, मराठा में बहुत सारी चीजें हैं बट खास तौर से आपको ध्यान रखना है शिवाजी का और शिवाजी का जो प्रशासन है वही देखना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है। उसके बाद पेशवा, 4 पेशवा, बहुत सारे पेशवा हुए, 4 पेशवा, चारों पेशवा के समय में कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रीटी हुई है अंग्रेजों के साथ, वो सब देख के खत्म करना है। इसके अलावे कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यह पीरियड जो है आपका ये 3 के साथ जो सेक्शन हमने बताया जो चैप्टर बताए हैं उसके अलावे आपका मेराइवल का पीरियड समाप्त होता है और मुगल काल और ये मराठा के पीरियड से ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन इस समय पीरियड का भी होगा ठीक है। अब चलते हैं मेराइवल जो सबसे मेजर है, ये सॉरी मॉडर्न, मॉडर्न जो सबसे मेजर है जहां से क्वेश्चन सबसे अधिक आएंगे। मॉडर्न जो है बड़ा
पूरी की पूरी एक किताब अरिहंत के मैंने आपको प्रेस्क्राइब किया था कि आपको किताब कौन सी लेनी है, ठीक है? अरिहंत ही बताया था ना, हाँ स्पेक्ट्रम का, सॉरी, ठीक है। सो उसमें मॉडर्न में आपको क्या पढ़ना है वो आपको खासतौर से ध्यान रखना है। मॉडर्न जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, पूरा सागर है, बहुत बड़ा है, मैंने आपको इसको कंसाइज किया है, इसको भी कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखेंगे मॉडर्न पीरियड में कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मॉडर्न में हम शुरू करते हैं कि बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पहले पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ये सब आ गए, ठीक है? और किसने कहाँ कहाँ कोठी खोला वो सब आप लोग याद कर लिए होंगे, ठीक है? इन सबको छोड़िए, यहाँ से एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन, जो एरिया जो बनता है, अब आपको एक एक करके हम बताते हैं। एक है आईएनसी, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन है बहुत छोटा चैप्टर, ठीक है? बहुत सारे वायसराय हुए हैं, है ना, उसको हम कहेंगे कि आप अलग से ही उसको, आपके बहुत सारे गाइड हैं जिसमें दिया रहता है, गवर्नर, अब ये मैं नहीं बोलूंगा कब क्या वायसराय कब कहा गया, गवर्नर जनरल कब कहा गया, वायसराय कब कहा गया, तो इसीलिए हम आपको एक ही साथ लिख ही देते हैं, गवर्नर वायसराय या गवर्नर जनरल जो भी है, अलग अलग पीरियड में है, ये आप लोग पढ़े होंगे, इसको कभी बताना होगा, नहीं समझेंगे तो बता देंगे। इसमें क्या करना है कि बहुत सारे गवर्नर जनरल ये सब अलग अलग समय में हुआ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिनके समय में, जैसे डलहौजी, आप देखेंगे डलहौजी है, बेंटिक है, पहले बेंटिक तो पहले ही आ जाएगा, डलहौजी है, बेंटिक है, लीटन है, रिपन है, करजन है, लीटन, रिपन, करजन, बहुत सारा ऐसा है जिसके बारे में दो दो तीन तीन बातें आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। तो ये वो पर्सन है जहाँ से एक से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? ये जहाँ से एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहेगी, इसीलिए इसको इसी फॉर्म में ही आपको आगे पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है? अब आते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट यानी कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन बहुत सारे हुए, राजा राम से शुरू करिएगा, उनको क्या क्या कहा गया, कौन कौन से बुक्स लिखे, किसके बारे में क्या है, तो आपको इसमें स्टार्ट करना है राजा राम मोहन राय से ही, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे राजा राम मोहन राय से लेकर जितने भी आगे के रिफॉर्मर हुए हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है? सभी के सभी जो है आंदोलन, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, इसमें आप सबको, इवन कि केरला में जो आंदोलन चल रहा था सबको इसमें शामिल कर लेना है। ये वो सेक्शन है जहाँ से तीन क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हमेशा रही है, फ्लैक्चुएट रहता है, वहाँ से क्वेश्चन आता रहा है। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में पढ़ना है, अब पढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? कभी भी जन्म मृत्यु ये सब कुछ नहीं पूछने वाला है, हमेशा पूछेगा उन्होंने क्या चलाया, महिलाओं के लिए क्या किया, एजुकेशन के लिए क्या किया, ये तीन सेक्शन है। और समाज कितना बार जो है, अब उनके जो संगठन है कितना बार डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर क्या बना, किस कारण से हुआ, कैसे पतन हुआ, ये सब बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग पढ़े हैं। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में आपको देखना है, और इस सेक्शन से चैप्टर छोटा है, इन्फॉर्मेटिक है, वहाँ से प्रश्न तीन प्रश्न की संभावना रहेगी, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से आपकी रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको हम नहीं बता रहे हैं कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसमें महारानी का क्या कंट्रीब्यूशन था, कहाँ पर आया, सूरत आया, और कौन पट्टनम है, मछली पट्टनम है, ये सब जगह पे गया, कब आया, 11 में आया, 8 में आया, तरह तरह का आप लोग याद किए ही होंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ से प्रश्न की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। ये क्वेश्चन का सेक्शन है, ये है, ये सेक्शन का है, इसी के पहले जो है एक है 1857, तो एक नंबर इसको मानिए, दो नंबर इसको कर दीजिए, तीन नंबर,
इसको करिए 4, इसको करिए 5, ठीक है। तो 8057 आपको पढ़ना पड़ेगा, और 8057 में बिहार का पढ़ेंगे तो बिहार से तो क्वेश्चन आना ही आना है। 8057 के साथ ये चार आपका सेक्शन है। अब चलते हैं पांचवें सेक्शन, जहां से प्रश्न की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो पूरा सब पीरियड को छोड़ते हुए 1905 से शुरू करना है, ठीक है। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन जो है, यहां से शुरू करना है, और यहां से बिल्कुल ही चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को आगे बढ़ना है कि किस तरह से बंगाल विभाजन के बाद हम लोग कौन कौन सा चीज जो है सो पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 से हम लोग शुरू किए थे, बंगाल विभाजन से लेकर स्वदेशी मूवमेंट। जब इसको पढ़ेंगे बंगाल विभाजन, तो अपने आप जो है आप आगे के पीरियड में पहुंचेंगे। तो सीधे जो है आपको जंप मारना है 1909, ठीक है, एक्ट। जब ये पढ़ रहे हैं तो 1919 का एक्ट, 1935, ठीक है ना। तो ये पीरियड को आपको देखना है, ये भी प्रोग्रेसिव है, ठीक है। प्रोग्रेसिव इस मायने में है कि धीरे धीरे जो ब्रिटिश शासन है वो धीरे धीरे इंडियन को देता है। पहले महिलाओं को नहीं देना है, बाद में देना है, पहले सिख को नहीं देना है, बाद में फिर देना है, पहले आपको प्रांतीय सत्ता नहीं देंगे, बाद में फिर देंगे, पहले द्वैत शासन लाएंगे, बाद में फिर देंगे, यहाँ द्वैत शासन नहीं तो 35 में आके हम उस आधार पर द्वैत शासन लेंगे। लिस्ट जो है पहले छोटा रखेंगे, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, ये पूरा प्रोग्रेसिव है। इसीलिए जब भी पढ़ेंगे एक साथ पढ़ना है, 1919 पढ़ना है। अगर चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं तो आप चार्टर एक्ट 1813 से शुरू करेंगे, तो 13 में देखें कुछ है, 33 में, 35 में देखें, 33 में देखें कुछ है, 53 में कुछ है, ऐसे बदलते रहता है। तो हमेशा ये चार्टर एक्ट हो या फिर एक्ट जो भी है, मौले मिंटो लिथको और ये सब 1935, ये सभी के सभी जो है वो प्रोग्रेसिव है। इसलिए प्रोग्रेसिव वे में इसको पढ़ना है। यहाँ से भी प्रश्न जो है 2-3 प्रश्न का संभावना रहता है। अब हम चले जाते हैं पांचवा पीरियड है, उसको या तो हम गांधीयन पीरियड के नाम से जाने, ये गांधी काल, ठीक है। उससे पहले हालांकि आप देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये सब आपको देखना है, देखना नहीं देखना है। गांधी पीरियड जो है एक्चुअली गांधी पीरियड से जो चीज़ों को निकालना है, जो क्वेश्चन का सबसे अधिक ट्रेंड है, वो आएगा इसी पीरियड से। तो हम देखेंगे 1919-20 से, 19 से ही देखते हैं, क्योंकि तब तक गांधी जी जो है देश में घूम रहे थे, तब तक वो देश में घूम के और वो ले रहे थे लोगों का मूड। बाकी आप लोगों ने देखा होगा चंपारण सत्याग्रह, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, फिर वो आए, फिर चंपारण सत्याग्रह पहला उन्होंने आंदोलन का जो स्थली बनाया वो इंडिया बनाया, मोतिहारी में आए, वहाँ से किया, बाकी वगैरह वगैरह आप लोग जानते हैं। अब देखिए गांधी पीरियड में जो है आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन जो है, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब असहयोग आंदोलन जो है यानी कि उसको कहेंगे क्या बोलेंगे, नॉन कोऑपरेशन, हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन में खास तौर से देखना है, गांधी जी गए, फिर वो पीछे हटते हैं, फिर चोरी चोरी हत्याकांड होती है, चोरी चोरी हत्याकांड में क्या हुआ था वो देखना है, क्या क्या चीज को असहयोग उन्होंने किया, किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया, कौन कौन सा सेंटर था। बहुत क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन ये आएगा, लेकिन उसके बाद में जो होता है कौन सा खड़ा करते हैं विट्ठल भाई पटेल, स्वराज, स्वराज पार्टी, तो उसके बाद उसको आपको देखना है। उसके बाद सीधे भूल जाना है और सीधे आ जाना है सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में भी आप देखेंगे गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ना, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद गए, पूरा आपके माइंड में सब धीरे धीरे आते रहेगा कि ये घटना हुआ, सिविल डिसोबीडियंस में क्या किए, नमक आंदोलन चलाए, कहाँ से कहाँ चले, लेकिन ये नहीं कितना किलोमीटर गए थे, वहां से लेकर डांडी से लेकर अहमदाबाद तक, ये सब किलोमीटर वाला सा छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ क्या हुआ था ये जानना बहुत जरूरी। यह वो पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, आपको आगे जो है जो पीरियड है वो पढ़ना है। 35 हमने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि 35 से देखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, इंडियन जो है सत्ता बनती है, सत्ता आती है ना 35 के बाद, इलेक्शन होता है तो आ जाता है, हाँ
सो वो पीरियड को देखना है और फिर देखेंगे कि इंडियन को अब लगा कि नहीं, अब जो है आर या पार की लड़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी, और आर एंड पार की लड़ाई के लिए आएंगे 1942। बट उस समय देखेंगे क्रिप्स मिशन भी आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि सब भूल जाना है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन से मैक्सिमम क्वेश्चन होता है, इसी को फिर ठीक ठाक करने के लिए क्या करता है, कैबिनेट मिशन लोग भेजता है ना, और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पे आपका भारत का जो है विभाजन भी हो जाता है और भारत को आजादी मिल जाती है, और इसी के आधार पे आपका संविधान सभा बनता है, और कैटेगरी में बांट दिया जाता है स्टेट को, कितने कैटेगरी में, चार के तीन कैटेगरी, चार हो सकता है, चार कैटेगरी। तो ये किस कैटेगरी में कौन सा स्टेट होगा, कितना प्रतिनिधित्व होगा, तमाम तरह का, उसके बाद देखेंगे पटेल जी धीरे धीरे करके जो भी देसी राजे राजवाड़े थे उसको किस तरह से उन्होंने मिलाया था, उनकी जो सरदार पटेल के जो योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बीच में देखेंगे 1946 में क्या होता है, अरे नौसेना विद्रोह कब हुआ है, वो नौसेना है, और उसके बाद आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस वाला पीरियड भी है, हाँ उससे पहले ही मैं ऊपर इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, हिस्ट्री बताने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत पढ़ा है हिस्ट्री, ओके। तो ये वो सेक्शन है जहां से आपके सभी के सभी प्रश्न जो है आएंगे, क्लियर है। आप सोचेंगे कि इतना से हो जाएगा, अरे भाई इसमें और भी चीज बची हुई है, वो है आपका न्यूज पेपर पत्रिका, कौन सा न्यूज पेपर किसने निकाला था, पत्रिका कब चलाया था, उसका क्या क्या थीम था, सो उसको कहेंगे पत्र पत्रिका, पत्र का मतलब न्यूज पेपर, पत्रिका का मतलब मैगजीन, ठीक है। कौन चलाया, हर राष्ट्रभक्त देशभक्त जो है उसको चलाया है, ठीक है। तो इसका जो है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, और एक और सेक्शन छूट जाता है वो है एक्सट्रीमिस्ट का। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो नरम दल वाले के पढ़ रहे थे, अब गरम दल वाले भी छूट रहे थे, जिसमें कि पूरे के पूरे आप देखेंगे भगत सिंह बिस्मिल्ला से लेकर जो भी है सभी के सभी इसमें आ जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद से लेकर लालबाल पाल सब लोग इसमें आ जाएंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट को एक जगह पढ़ना है, ठीक है। ये वो सेक्शन मैंने जो कुल मिला के आपको 20 के आसपास बताए हैं, वहीं से आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है मिलेगा 35+, यानी कि 150 में से 35 सही करने के लिए, 40 सही करने के लिए इसको करना है। बचेगा 5 क्वेश्चन, कैसे सही होगा, वो होगा लॉजिक से, जब मेरी नॉलेज लेवल 80% आ गई है तो 4-5 क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, क्लियर है ना। तो 40 के 40 क्वेश्चन का ये पूरा का पूरा एरिया जो मैंने आपको बताए हैं वहां से आप लोग तैयारी करिएगा। आपको डिवाइड कैसे करना है, तो आपको एंशिएंट के लिए देना है 4 दिन, ठीक है, एंशिएंट के लिए 4 दिन, इससे ज्यादा देना ही नहीं है, 4 दिन एंशिएंट के लिए। मेराइवल जो पीरियड है उसके लिए आपको देना है 4 डेज, मॉडर्न जो है उसके लिए देना है 6 डेज, ठीक है। 8 और 6 1816 होता है 14 days 2 weeks, 2 वीक में आपकी हिस्ट्री की पूरी तैयारी हो जानी चाहिए, ठीक है। और टारगेट वैसे ही रखना होगा, तैयारी का तरीका क्या होता है कि हम लोग पकड़ के झेलते रहते हैं, बस पढ़ रहे हैं, अरे ठीक है चलो आज पढ़ रहे हैं। ये आपका टारगेट जब तक फिक्स नहीं होगा कि हमको पटना से पहुंचना है हजारीबाग, तब तक आप पहुंचेंगे नहीं, बीच में जहानाबाद जाकर रुक जाइएगा या नालंदा जाके। तो टारगेट होना चाहिए, इसलिए एक टारगेट रखना है कि कल से हम लोग पहले एंशिएंट को पढ़ेंगे 4 डेज में, 4 डेज को डिवाइड करेंगे, हमने आपको 6 चैप्टर बताए थे, पहला चैप्टर को एक दिन में लेना है, दूसरा चैप्टर 2 चैप्टर को नेक्स्ट डे में लेना। अच्छा क्या होगा, आपको याद करने की समस्या आएगी, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना रिवीजन करना है उसी के रेशियो में, तब ज़्यादा याद होगा। जैसे क्या होता है कि हम लोग केवल खुदाई करते रहते हैं, ठीक है, एक बार अगर आप खुदाई केवल करते रह जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से मिट्टी से ढक के मर जाएंगे, लेकिन
खुदाई धीरे धीरे एक बार करेंगे, फिर पीछे से एक बार खुदाई करेंगे तो प्रॉपर होगा। यही होता है हिस्ट्री पढ़ने का तरीका या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का, कि आप एक बार पढ़िए पहले, फिर सेकेंड टाइम में रिविजन मारिए। रिविजन का तरीका बता चुका हूँ मैं, कैसे रिविजन करना है, कब करना है, किस तरह से रिविजन होना चाहिए। रिविजन जो है आपको हर शाम के बाद पूरा दिन जो पढ़े हैं आफ्टर डिनर पूरा कंप्लीट होना चाहिए रिविजन, ठीक है। तो रिविजन उसके हिसाब से पर डे और नेक्स्ट डे पढ़ने से पहले कल वाला जो है जो उसको रिविजन करना है, तो ये तरीका से करिएगा पूरा का पूरा याद हो जाएगा। हड़प्पन पीरियड में क्या करना है, हड़प्पन पीरियड जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण साइट्स को क्या करेंगे, पहले क्लैरिफाई वो करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले एक एक कैटेगरी में कौन कौन आता है तो बराबर देखना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, ये बड़े बड़े जो है, चहुंद्रो, ये बड़े बड़े हैं, फर्स्ट में आ जाएगा। फिर सेकेंड में हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेकेंड कैटेगरी में कौन कौन सा आ रहा है, सी कैटेगरी में, तीन कैटेगरी बनाना है। फर्स्ट कैटेगरी में देखेंगे कि हर साइट्स का जो है वो कुछ कुछ चीजें है, जैसे डांसिंग गर्ल देखें कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से, और वॉक्समैन क्वार्टर, वॉक्समैन क्वार्टर यानी कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, यानी कामगार का वो क्वार्टर, कामगार का घर, मोहनजोदड़ो के हड़प्पा से, और ये स्नानागार, ठीक है, उसी तरीके से जूते हुए खेत, घोड़े का अस्थि पंजर, अच्छा, और बुर्ज होम से क्या मिला, और नहीं नहीं बुर्ज होम से नीचे जो है वो अंडरग्राउंड घर है, उसी तरह गुफाकरल भी है, उस वो ही अंडरग्राउंड, दोनों गुफाकरल और बुर्ज होम दोनों का नीचे से मिला है, ठीक है। उसी तरह सबसे नॉर्थ का साइट, हाँ, मांडा, कौन नदी, चेनाब नदी आता है, मांडा है। सबसे साउथ की कौन नदी, भगतरब। सबसे बेस्ट का सुक्ता जंडोर है, सुक्ता कोर, सुक्ता जंडोर, ठीक है। और सबसे ईस्ट की हिंडन रिवर, यमुना की सहायक नदी, आलमगीरपुर। अब उसके बीच में बाकी साइट है 200, तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। लोथल का क्या महत्व था, उसी तरीके से देखेंगे। सबसे बड़ा साइन बोर्ड, एक साथ दो तीन चीजें हैं, पुरानी बांध, साइन बोर्ड, पुरानी बांध, साइन बोर्ड और बेस्ट वाटर मैनेजमेंट का प्रमाण, ये तीन चीजें कहाँ से मिली ना, धौलावीरा। तो ये जैसे तीन चीजों को कोरिलेट किए ना, वैसे ही हर साइट को कोरिलेट कर लेना है कि यहां से क्या 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 मिला होगा। तो उस तरीके से आपका हड़प्पन पीरियड खत्म होगा। एक रिवर के किनारे कौन 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 रिवर के किनारे है, वैसे ही आपको याद कर लेना, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको पूरा का पूरा पीरियड को याद करना है। और अच्छा तरीका यह है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने फ्रेंड सर्किल में डिस्कशन कर लिए, जितना भी है, या आप चैप्टर रखिए कल से कि हम लोग को हड़प्पा पे डिस्कस करना है एक घंटा, सब लोग पढ़ो, एक दूसरे को पूछेगा, जो नहीं बताएगा 100 रुपये का पेनाल्टी, जो बताएगा 100 रुपये का इनाम। उससे क्या होगा कि सब लोगों का याद हो जाएगा, और शाम में जब 5 बजे या बैठेंगे या डिस्कस करेंगे ना, जो पूछिएगा सबको याद रहेगा। लेकिन नॉर्मली आपको पढ़ के खुद याद करना होगा तो नहीं होगा, लेकिन आप शाम में डिस्कशन का एक प्रेशर होता है, जब तक इंसान का जो माइंड है ना बड़ा लेजी है, आलसी है, वो हमेशा आराम ही करना चाहता है। अगर मौका मिले तो कब आराम करने के लिए चले जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं, जब मन हो तभी, दिन भर सोना हो दिन भर सो, लेजीनेस है, माइंड हमेशा लेटगो करता है, आपको हमेशा आलस की तरफ ले जाता है और कल पे टालता है, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, सर कितना जल्दी छोड़ दे तो भागे घर, एक मन में रहता है। फिर घर पहुंच के क्या करना है, कुछ नहीं, फिर लगेगा आराम करें, आराम करने के बाद कुछ नहीं होता है। 3 दिन पूरा छठ में बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ाई किए होंगे, बाकी सब लोग अपने उत्साह में लगे हुए होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कहा था 5 घंटा पढ़ना है, लेकिन जो समय बीत गया उसको कुछ नहीं सोचना है, उस पर चिंता करके कुछ नहीं मिलने वाला है, जो अभी आने वाला पीरियड है उसे फोकस करना है। ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी थी, मेरा टारगेट था कि 40 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे और कैसे आपको हिस्ट्री में तैयारी करनी है, यही बताना मेरा मकसद था। नेक्स्ट कल भी हम क्लास लेंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट जो है लार्जेस्ट जहाँ से क्वेश्चन आता है, बिहार स्पेशल, ठीक है।
वो हम आपको कल बता देंगे, बिहार स्पेशल में कहाँ से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स लेनी है, इंग्लिश मीडियम का क्या होगा, हिंदी मीडियम का क्या होगा, कल आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।